सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। वो ग्राम बसिया सहजनवा में नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ और मानसरोवर मंदिर जाएंगे। सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज के शुभ अवसर पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक हमारे यहाँ जो सरकार के स्रोतों से एक स्टेडियम बना हुआ है जो नेशनल लेवल का है, उसका नामकरण है जो शहीद श्री बंधु सिंह जी के नाम से होगा, क्योंकि ये उन्हीं का प्लाट लैंड था और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो 1857 में हुआ था उनका यहाँ पर अहम भूमिका थी। उसके साथ साथ महाराज जी ये 4 जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनका लोकार्पण करेंगे, जिसमें 2 हॉस्टल्स का है, उसमें रमन भवन और सुभाष भवन का विस्तार है। तीसरा, हम पुस्तकालय का पुस्तकालय का एक्सटेंशन कराए हैं, उसका लोकार्पण करेंगे और बस गैराज भवन का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महान थे योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 10:30 बजे के बाद सहजनवा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उसके पश्चात गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मानसरोवर मंदिर पर कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी भाग लेने के पश्चात पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के पश्चात एक क्रीड़ा स्थल का नामकरण भी करेंगे। क्रीड़ा स्थल का नामकरण बाबू बंधु सिंह के नाम पर होगा, जो अंग्रेजी हुकूमत को निस्ताबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। दूसरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। उसके पश्चात वह जंगल कौड़िया के लिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बरोहिया शिव मंदिर जाकर के शिव जी का जलाभिषेक भी करेंगे। यही नहीं, उनके आगमन को लेकर के जहां जहां कार्यक्रम लगे हैं, जिला प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।